ये ड्राइवर के रीच में रहेगा। कुछ रैलीज होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है जिसमें किल स्विच की ज़रूरत होती है। इन द इवेंट ऑफ सम एक्सीडेंट और समथिंग या किसी इमरजेंसी में आपको गाड़ी बंद करनी हो तो इससे सारे गाड़ी के मतलब बेसिकली दिस इज अ बैटरी आइसोलेटर, इससे आप बैटरी बाईपास करके रख सकते हैं गाड़ी की। तो इसको आप ऑफ कर देंगे तो गाड़ी की बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये काम है इसका डिफॉगर के पार्ट्स फिट करने के लिए। जिप्सी का डैशबोर्ड खोलेंगे। नाउ यू गाइस बकल अप, शिट्स अबाउट टू गेट रियल। आप कभी कोई चीज खोलते हो तो उसको रखने के लिए आप हमेशा ट्रे की इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पे ऑयल कैन काट के एक ट्रे बनाई है। वाजिद भैया खोल दो। ये हमारे वाजिद उस्ताद हैं। ये हैं तो इम्पाला के मैकेनिक लेकिन आज जिप्सी खोल रहे हैं। ये हमारा वाजिद जो है नई नई ये जो है ये हमारा वाजिद देखो खाना गर्म करने का नए नए तरीका ढूंढता है। देखो ये उबाल आ रहा है, ये बेहतरीन अंडा करी गर्म कर रहा है। अरे वो ये भाई अंडा करी। अच्छा, अंडा करी नहीं है। इसके तिरपाल की लाइफ खत्म है। तिरपाल की लाइफ खत्म है। अच्छा अच्छा बोलो भाई। नहीं अच्छा नहीं क्योंकि क्या है, बोलो शुभ 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 शुभ। यहाँ पे आप बहुत संभल के काम करो क्योंकि ये स्प्रिंग के टेंशन से चोट भी लग सकती है, तो बहुत संभाल के इसको खोलना। आपको दो नट हटा के गैस ट्रे का झूला हटाना पड़ेगा। एक ऊपर होता है इसमें यहाँ पे और एक ये नीचे होता है यहाँ पे, और ये इस टाइप के होते हैं कट स्क्रूज ऐसे वाले नहीं होते हैं। इसके नट खोलने के लिए ये पट्टा हटाना पड़ेगा ताकि दरवाजा थोड़ा जाए और यहाँ से पाना चल पाए। कुछ हमने स्क्रूज यहाँ और खोले हैं, जैसे हमने यहाँ पे खोला है, फिर एक हमने यहाँ पीछे खोला है इसमें, यहाँ जहाँ आपको मेरी उंगली दिख रही होगी, और इसके अलावा इसके पीछे का एक खोला है प्लेयर के, वो प्लेयर साइड में लटका लिया है, पत्ती उसके पीछे की खोली नहीं है। इतना खोलने के बाद में आप देख सकते हो कि ये हिलने लगा है। अभी एक आध नट स्टीयरिंग कॉलम के पास और खोलना है तो ये बाहर आ जाएगा, फिर देख बताता हूँ पीछे क्या क्या फिटिंग होती है इसके। डैशबोर्ड के पीछे वायरिंग टाइड होती है। इस पॉइंट पे आके हमें बैटरी का टर्मिनल निकाल लेना चाहिए। हमने इसकी ऊपर की प्लेट हटाई है। अब मैं यहाँ पैर से डैशबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ूंगा और मैं इसका मीटर बाहर निकालूंगा। ये पैनल हमने उचका लिया है और इस पैनल के पीछे होते हैं दो नट्स जिससे कि फाइनल चीज़ें खुलेंगी। जिप्सी आती नहीं एसी के साथ, हीटर गाड़ी में होता है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पैर वाले मोड पे लाल रंग से है और मुंह वाले मोड पे सिर्फ नीले से है, तो नीला कूल है और लाल हॉट है। जब मैंने जिप्सी ली थी तो मैं परेशान रहता था कि मेरा हीटर चल क्यों नहीं रहा। एक बार मैंने इसको यहाँ कहीं पे और इस पे चलाया था तो हीटर चलने लगा था, तब मुझे ये चीज़ ऑब्जर्व मैंने करी कि लाल वाला मुँह पे दिया ही नहीं है। तो अगर इसको अपन मुंह पे रखा है और अपन हॉट पे चलाते हैं तो सिर्फ कूल पे चलता है, हीटर चलता ही नहीं है। हीटर इस वाले मोड पे दिए ही नहीं है, सिर्फ आपके पास पैर के ऑप्शन पे हीटर है। और इस पे मुझे श्योर नहीं है कि इस पे हीटर आता है या नहीं आता है। अगर आपके पास जिप्सी है तो आप मुझे बता सकते हो। और ये फ्रेश एयर के साथ में डिफॉगर का हमने आज फिटिंग करा है। इसके अंदर पहले वाले डक्ट्स नहीं थे, अब आप देख सकते हो कि साइड में हमारे पास डक्ट आ गया है। इससे पहले इसमें एक प्लेट होती थी। ये हमारा डैशबोर्ड बाहर आ चुका है, ले जा भाई बाहर, वो सब साथ में चला जाएगा, ले जा। नपतियाँ चल रही हैं भाई हमारे। हाँ करो कर करो। क्या नाम है भाई मेरे? दीपक। कितनी देर में? अच्छा 10-15 मिनट से निकलो या फिर अपना अपना अपना। हाँ आप अपना। हाँ ये भी सॉरी सॉरी सॉरी। ओके 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 आप मेरे को कर लो सर प्लीज, मेरे बात फोन कर देना। ठीक है ओके। आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के पीछे ये पीसेज हैं। यहाँ पे कुछ फिटिंग्स होंगी, कुछ फिटिंग्स यहाँ पे होंगी। अब हम इसको फिट करते हैं। ये जो डिफॉगर की चोंच हैं यहाँ पीछे से जाके इधर कनेक्ट होंगी दोनों,
और अभी हम वायरिंग फाइनलाइज करेंगे इसको रखने के बाद। तो चलिए हम कैमरा पकड़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं इसको रखने की, है ना। ये वही शख्स है जो सुबह से डैशबोर्ड निकाल रहा है। डैशबोर्ड की केबल के लिए हमने जो तार जहाँ से खुला था वो लगा दिया, और यहाँ पे एक बिंदी है छोटी सी, कवाना हटाइएगा, ये बिंदी पे हमने धूल की पोजीशन ले ली थी कि लॉक कैसा लगाए। नहीं ठीक है, सही लगा, इसको भी टाइट कर दो। यहाँ हमने किल स्विच लगाया है और उसके ऊपर हमने एक रबर का बूट भी काट के लगाया है ताकि पीछे के स्क्रूज ना दिखें। इसको आखिरी में फाइनली हम चिपका देंगे। तो ये बूट जो है ये हमने कैसे बनाया ये हम आपको बता देते हैं। ये पोलो गाड़ी के शॉकअप का बूट है, तो हमने इसके ऊपर की टोपी काट ली है और हमने वो टोपी लगाई है यहाँ पे, क्योंकि हमें पीछे ये जो स्क्रूज थे विदाउट बूट ये ऐसा दिखता है, और बूट लगाने के बाद ये बूट इस पे सेट हो जाता है। बूट को हम चिपका देंगे तो ये निकलेगा नहीं, तो ये थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाता है, आप देख सकते हो। ये हमने बूट का इंसुलेटर बनाया है यहाँ पे ताकि ये जो दोनों हमारे तार हैं जो बैटरी आइसोलेटर के वायर्स हैं इनको हम यहाँ से बाईपास करेंगे जो बैटरी का मेन वायर होता है उससे, और पीछे कोई चीज़ छू ना जाए, तो हमने इंसुलेशन लगा दिया है। इसको खोलना टेपिंग को, ये इन लोगों ने यहाँ पे दिया है तार। ये जिप्सी पे आप देख सकते हो कि जो हरा वायर है टैकोमीटर का, वो वायर अभी हम हटाने वाले हैं क्योंकि हम टैकोमीटर हटा चुके हैं। पहले टैकोमीटर होता था, अब नहीं है। आप देख सकते हो कि अब टैकोमीटर नहीं है, पहले यहाँ पे एक टैकोमीटर था। और ये जो वायर है इसकी टेपिंग खोलना। डेल्को पे वायर है पीच कलर का जिसमें ब्लू ट्रेसर है, ये वाला ऑरेंज पीच जो भी कलर है, इस वायर से टैको सिग्नल लिया हुआ है यहाँ पे। ये मीटर में लेफ्ट साइड वाला कपलर है, मीटर के लेफ्ट साइड वाले कपलर में राइट साइड से चौथे नंबर का तार है काला, और उस पे लगा है लाल तार। ये आरपीएम मीटर में पीछे कपलर में, ये आरपीएम मीटर है, इसमें जो वायर के कलर हैं वो लाल, काला, हरा और पीला है। पीला तार जो है वो इस ऑरेंज में येलो धारी वाला जो तार है, ये मीटर का राइट साइड वाला कपलर है, इसमें ऑरेंज में पीली धारी वाली तार पे पीला तार लगा है। और आगे और आगे और आगे और आगे